हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं नो ऑयल स्टीम्ड वेजिटेबल सैलेड, वो भी एक डिप के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में मैं जो वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ वो है यहाँ पे मेरे पास ब्रोकली, बीन्स, यहाँ पे है मेरे पास गाजर, मटर और कॉर्न। ये मेरे पास स्वीट कॉर्न है, आप नॉर्मल कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। बीन्स को हम कुछ इस साइज़ में कट कर लेंगे और गाजर को भी थोड़ी पतली पतली स्लाइसेस कर लेंगे। अगर आपके पास भी स्टीमर नहीं है तो आप इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नीचे में एक पैन पे पानी चढ़ाया है, उसके ऊपर मैंने कुछ इस तरीका का बर्तन आता है, उस बर्तन को मैंने इस पे रख दिया है। पहले हम पानी को थोड़ा गर्म होने के लिए देंगे, जब हल्की हल्की स्टीम निकलने शुरू हो जाए तभी हम अपनी वेजिटेबल्स को डाल देंगे। सब वेजिटेबल्स को मैंने प्लेस कर दिया है। अब मैं इसे ढक दूंगी और हम इसे स्टीम होने देंगे एग्जैक्टली 6 मिनट तक। आप घड़ी पे टाइम सेट कर लीजिएगा, 6 मिनट बाद हम बंद कर देंगे फ्लेम। एग्जैक्टली 6 मिनट हो गए हैं, हमने कर ली अपनी गैस बंद। अभी हम अपनी वेजिटेबल्स को देख लेते हैं। देखिए सब वेजिटेबल्स अच्छे से स्टीम हो गई है। स्टीम हो जाने के बाद ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये पिंक सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं डिप, जिसके लिए मेरे पास है यहाँ पे 2 बड़े चम्मच जितना तिल, सफेद तिल। इसे मैं हल्का रोस्ट कर लूंगी। तिल से जब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की खुशबू आने शुरू हो जाए और ये हल्के ब्राउन होने शुरू हो जाए, बस इसी वक्त हमें इसे गैस से उतार लेना है। अब हम अपने डिप को रेडी कर लेते हैं। ये वही तिल है जिसे मैंने अभी थोड़ा पहले ही भून के रखा था। और यहाँ पे है ये मेरे पास 8 कैश्यू नट्स हैं जिसे मैंने जस्ट आधे घंटे पहले ही भिगो के रखा था। अब हम इन सभी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल देंगे। डालेंगे थोड़ा सा पिंक सॉल्ट और डालेंगे यहाँ पे आधा कटोरी जितना पानी। अब हम कर लेंगे ब्लेंड। डिप हमारी रेडी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर आपको ये थोड़ी और गाढ़ी लगती है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे पतला कर सकते हैं। यहाँ पे है मेरे पास थोड़े से रोस्टेड पीनट्स। अब हम इस रोस्टेड पीनट्स को थोड़ा हल्का सा क्रश कर लेंगे। अब हम हमारे ये रोस्टेड पीनट्स इस पे डाल देंगे। अब हमारी जो ये थोड़ी सी डिप थी हम ड्रिजल कर लेंगे। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आपको ये सैलेड ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये सैलेड बहुत ही टेस्टी और क्रंची होता है और ये एज अ लंच बहुत ही आइडियल रेसिपी है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। मैं फिर आपके साथ मिलूंगी इसी तरह की हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।